तो फेसबुक का जो स्टोरी फीचर्स है उसमें आप लोग कैसे लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो, लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरी अपलोड किया जहाँ 2 मिनट 23 सेकंड के करीब वीडियो से, तो ये मैंने कैसे किया। और एक चीज़ जो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये आप कैसे इनेबल कर सकते हो, सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सिंपली आपको मैसेंजर में जाना है, जाने के बाद एक दोस्तों को आपको सिलेक्ट करना है जैसे आप चैट करते हो, उसके बाद कोई भी एक लॉन्ग वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे कि एक एडिट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, सिंपली आपको टैप करना है। तो बहुत सारे दोस्तों के पास एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये कैसे इनेबल कर सकते हो आपको बता दूंगा। तो पहले आपको सिंपली एडिट ऑप्शन में टैप करना है, यहाँ पे देख सकते हो ट्रिम कर सकते हो, कुछ राइटिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ इफेक्ट या स्टिकर वगैरह डाल सकते हो। तो बहुत सारा यहाँ पे इमोजीज वगैरह है, अगर चाहो तो आप कोई भी वीडियो में यहाँ पे स्टोरी में यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा फीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको, आप कोई भी लॉन्ग वीडियो को कैसे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे तीनों बटन आपके सामने आ रहा है, एक सेव का बटन, एक साउंड का बटन और यू आर स्टोरी का एक बटन। तो सिंपली जो यू आर स्टोरी है यहाँ पे आपको टैप कर देना है, उसके बाद आप देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इसको आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ऐड बटन आ रहा है, सिंपली यहाँ पर ऐड कर दो, बस आपका हम ख़त्म, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर चाहो तो आपका जो दोस्त के लिए जो वीडियो सिलेक्ट किया अगर चाहो तो भेज सकते हो या आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो जो प्रोसेस आपको पता है इसी की मदद से आप लॉन्ग वीडियो को स्टोरी में अपलोड कर सकते हो। और एक तरीका है, आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो फेसबुक में ऐड करके। तो ये दो तरीके की बाहर और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप फेसबुक में जो स्टोरी का ऑप्शन है आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई आप अगर जो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था वो अपलोड हुआ या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो देख सकते हो मैंने जो स्टोरी अपलोड किया था ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप देखने की बारी भाई, जो 2 मिनट 23 सेकंड का स्टोरी अपलोड किया था मैंने वो अपलोड हुआ या नहीं, तो सिंपली यहाँ पे टैप करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे तो लगता है भाई यहाँ पे जो तो 2 मिनट 23 सेकंड का वीडियो मैंने अपलोड किया सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सेव कर देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा भाई कि 3 सेकंड से भी ज़्यादा स्टोरी में अपलोड होता है। तो सिंपली 3 टर्न को टैप करने के बाद यहाँ पे जो सेव बटन आ रहा है इसको सेव कर देता हूँ और गैलरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि भाई हुआ या नहीं। तो सिंपली मैं गैलरी में आ चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पे फेसबुक का जो फाइल है यहाँ पे गैलरी में आप देख सकते हो, एक ही वीडियो है मेरा जो डाउनलोड किया अभी सेव किया। तो देख सकते हो यहाँ पे वीडियो जो सेव किया यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट 23 सेकंड का ये वीडियो है। तो ऐसी तरीके की मदद से भाई आप कोई भी वीडियो को आप फेसबुक स्टोरी में ऐड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एडिट का ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, तो सिंपली आपको जो पुराना वाला मैसेंजर है उसको डिलीट कर देना है और नया वाला मैसेंजर इसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर वो ऑप्शन आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी भाई वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक गुड बाय।